अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे मारुबुज़ो कैंडल की, क्योंकि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट करा है कैंडलस्टिक एनालिसिस का, तो उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें आज आपको मैं इंशाल्लाह लाइव मार्केट में भी इसका इंपैक्ट दिखाऊंगा। सो गाइस, वो बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारी वेबसाइट है fxforever.com, इसको आप डेली विजिट किया करें, क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स है और इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऑफर्स होती हैं यहाँ पर। और अगर आप न्यू बीज हैं या फिर अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं, तो आप यहाँ पे हमारी कैटेगरी ओपन कीजिए फॉरेक्स वीडियोस इन उर्दू और यहाँ पे वन बाय वन हमारी सारी की सारी वीडियोस वॉच कीजिए। और इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि अब हमने अपनी वेबसाइट पर लाइव चैट का विकेट रख लिया है, अगर आप चाहें तो हमसे लाइव यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारी सारी ट्रेनिंग इसी चैनल पर अपलोड होती है। और यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो ये हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग डेली एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है हमने। यहाँ पर हम डेली की डेली एनालिसिस देते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम डेली एटलीस्ट टू पेयर्स पे, जो कि मेजर पेयर्स हैं फॉरेक्स के, उन पर आपको डेली के एनालिसिस दी जाए कि H1 और H4 और D1 के टाइम फ्रेम पर मार्केट कहाँ जाएगी। उसके साथ ही हमारी एक और जो प्लेलिस्ट है कैंडलस्टिक एनालिसिस फ्रॉम बेसिक्स इन उर्दू एंड हिंदी, यहाँ पर हम अपनी सारी की सारी कैंडलस्टिक का जो भी हमारा कोर्स आउटलाइन है वो सारा का सारा यहीं पर अपलोड होगा। सो गाइज, बात करते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस की। तो गाइज, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि कैंडलस्टिक एनालिसिस क्यों इतनी ज़रूरी है, और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हमें क्यों सीखनी चाहिए, तो आप प्लीज़ इसकी फर्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप उसको वॉच करेंगे तो वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कैंडलस्टिक की, और वो देखे बिना आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। अगर उसमें बेसिक्स आपको पता होंगी तो आज आप यहाँ पर ठीक तरह से इस चीज़ को समझ पाएंगे। सो गाइस, आज जो हम सीखेंगे वो है मारुबुज़ो कैंडल। गाइस, कैंडलस्टिक एनालिसिस तो बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, हमें कैंडल्स पैटर्न्स को सीखना होता है, हमने कैंडल्स के नाम याद करने होते हैं, कैंडल्स के टाइप्स को समझना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मारुबुज़ो कैंडल। सो गाइस, मारुबुज़ो कैंडल में कभी भी विक नहीं होती, या अगर होती भी है तो बहुत शॉर्ट होती है। तो जो कैंडल जिसकी विक ना हो या फिर अगर विक हो तो बहुत शॉर्ट हो, उसे हम मारुबुज़ो कैंडल कहते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि विक किसे कहते हैं, तो वो भी गाइस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो वॉच की होगी तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही देख रहे हैं तो मैं ताकि आपको ठीक तरह से चीज़ें समझ में आए, तो इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। हर कैंडल के ऊपर एक इस तरह का बार बना होता है, जिसे अपर शेडो कहते हैं, नीचे वाले को लोअर शेडो कहते हैं, और कुछ इसको डंडी भी कहते हैं और कुछ इसको विक कहते हैं। तो मैं इसको हमेशा विक कहता हूँ। तो जिस कैंडल में ये दो चीज़ें ना हो, यानी ये जो विक हैं, लोअर शेडो और ये अपर शेडो, ये दोनों अगर ना हो तो उसे हम मारुबुज़ो कैंडल कहते हैं, या फिर अगर हो तो बहुत ही शॉर्ट हो, लाइक दिस वन, अगर इतनी सी है तो भी वो मारुबुज़ो कैंडल ही कहलाती है। और इसका इंपैक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, अभी मैं इंशाल्लाह आपको लाइव मार्केट में ढूंढूंगा, बहुत सारी मारुबुज़ो कैंडल होती है, कहीं ना कहीं मिली जाएगी और फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब देखें गाइस, इस कैंडल में होता क्या है, अगर एक बुलिश मारुबुज़ो कैंडल बनती है तो वो हमेशा बुलिश ही रहेगी, यानी कि उसमें ज़रा सा भी बेरिश का कंट्रोल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, ये एक बुलिश मारुबुज़ो कैंडल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका हाई ये है, यहाँ पर कोई विक नहीं है, यानी कि सेल ने अपना इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं बना पाया। अगर यहाँ से थोड़ी सी मार्केट नीचे गई होती तो इसका मतलब था कि सेल ने भी यहाँ पर कोई जान मारी थी, लेकिन इसको देख के पता ये लग रहा है कि इसमें टोटली कंट्रोल जो था वो बेरिश कैंडल का था। तो बेरिश ने इसको काफ़ी ज़्यादा, मार्केट में बायर्स थे उस वक्त जब ये कैंडल बन रही थी, और सबने अपनी ट्रेड बाई की लगाई हुई थी, यानी कि सेल की एंट्री बहुत ज़्यादा कम थी। और यही सेम चीज़ बेरिश के साथ भी होती है, बेरिश में बायर का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि कैंडल जो ये बनी है उस टाइम मार्केट में सारे के सारे सेलर घुसे हुए थे, उसमें बायर का कोई भी कंट्रोल नहीं था, बायर कोई भी नहीं था वहाँ पर, सारे के सारे मार्केट को सेल कर रहे थे, इसी वजह से ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी कि डायरेक्ट डाउन गई। तो ये होती है गाइस मारुबुज़ो कैंडल। अब ये मारुबुज़ो जब कैंडल बनती है तो इसमें दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, एक इसमें बनता है कंटिन्यूएशन ट्रेंड और एक होता है रिवर्स ट्रेंड। सो गाइस, कंटिन्यूएशन ट्रेंड किस तरह से बनता है, अब मिसाल के तौर पे अगर एक बुलिश की मार्केट चल रही है, यानी कि बुलिश का ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बाय का ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट सीधी ऊपर जा रही है और उसी में अगर बुलिश की मारुबुज़ो बन जाती है, तो समझ लें गाइस इसका मतलब है कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, यानी कि कंफर्म ट्रेंड है, इसने मज़ीद और ऊपर जाते रहना है, तो वहाँ से आप अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये बाय का ट्रेंड चल रहा था बुलिश मार्केट का, ये कैंडल बने जा रही थी और उसी के दरमियान एक मारुबुज़ो बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, यानी कि मार्केट ने अब मज़ीद और ऊपर जाना है, यहाँ से ही चीज़ कंफर्म हो गई, जैसे ही अब ट्रेंड में बुलिश मारुबुज़ो कैंडल बन गई।
लेकिन अगर यहीं पर यह होता कि मार्केट ऊपर जा रही थी और अचानक एक बैरिश मारुबुजो कैंडल बन जाती है, ठीक है, एक बैरिश मारुबुजो कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने जितना टॉप पर जाना था वो जा चुकी, अब यहाँ से इसने अपना ट्रेंड को चेंज करना है और अब यहाँ से इसने डाउन जाना है। तो जैसे ये बुलिश मारुबुजो यहाँ पर एंड होगी तो आपने यहाँ से अपनी सेल की एंट्री ले लेनी है, तो उससे आपको मार्केट जब सेल बजाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं मार्केट की तरफ कि मार्केट हमें क्या बता रही है। सो गाइस ये यूरो यूएसडी का मैंने पेयर खोला हुआ है, इसमें ढूंढते हैं मारुबुजो यहीं कहीं बनी हुई होगी, देखते हैं यहीं कहीं होगी, बहुत सारी बनते रहती हैं। ये देखें गाइस, ये रही मारुबुजो, मैंने क्या बताया था, वो कैंडल जिसकी विक ना हो वो मारुबुजो है, और वो कैंडल जिसकी बिल्कुल छोटी विक हो, यानी कि कैंडल बड़ी हो, बॉडीज की बड़ी हो और विक बिल्कुल छोटी हो, मामूली सी विक ना होने के बराबर, तो वो भी मारुबुजो कैंडल कहलाती है। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम से अप जा रही थी और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगा, यानी कि जो सेल की कैंडल बनी, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज कर रही थी और उसी में एक और सेल की मारुबुजो कैंडल बन गई। ये देखिए गाइस, ये सेल के ट्रेंड में ही, सेल के टाइम पर ही एक मारुबुजो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गई, वो भी सेल की। तो उसका क्या मतलब है कि मार्केट ने अब अपना ट्रेंड चेंज करना है और उसने डाउन जाना है। तो ये देखें गाइस, यहाँ तक ये डाउन गई। अगर मैं इसकी पिप काउंट कराऊँ तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसने जैसे यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ से आपने एंट्री ली और ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक आई, यानी कि 1931 यानी कि आपके समझ लें कि 200 पिप्स की आपके यहाँ पर पोजीशन गई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और ढूंढ लें या फिर चलते हैं गोल्ड पे, चल लेते हैं गोल्ड, गोल्ड 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 है, वीकली है, चलो वीकली पे ढूंढ लेते हैं, वीकली पे भी बहुत होंगे। वीकली का टाइम फ्रेम है, इस पर हम देखते हैं कोई मारुबुजो अगर बनी हो। आप भी अपने चार्ट पे ज़रूर ढूंढिएगा और ख़ुद भी चेक करके देखिएगा, क्योंकि ये तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी इफ़ेक्टिव है, तो जब मेरे लिए इफ़ेक्टिव है तो इंशाल्लाह आपके लिए भी बिल्कुल होगी। यहाँ कहीं होनी तो चाहिए थी क्योंकि वीकली का इसमें डेटा ज़्यादा है। ये देखें गाइस, ये रही मिल गई, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर वीकली का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ये मिल जानी चाहिए। ये देखें गाइस, ये रही मारुबुजो कैंडल, ये रही। अच्छा यहाँ पर देखें, मार्केट अप जा रही थी यानी मार्केट का ट्रेंड अप का बना हुआ था और उसी में सोने पे सुहागा ये बुलिश मारुबुजो कैंडल भी फॉर्म हो गई। इसका ये मतलब है कि भाई अब कंफर्म सिग्नल है कि मार्केट ने अब अप जाना है, और ये देखें मार्केट यहाँ तक अप गई। अब ज़रा मैं इसकी पिप्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई आपने यहाँ से एंट्री ले ली और उसके बाद यहाँ से आपकी पोजीशन यहाँ तक गई, यानी 19,904 कितने पिप्स हुए, 1990 पिप्स गाइस, यानी 2000 पिप्स इसने ट्रेंड यही लेकर चला है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, एक तो बाई की ट्रेंड चली रही थी, ऊपर से ये मारुबुजो जब उसी में जब ये बुलिश मारुबुजो बनी तो उसका मतलब कि ट्रेंड मज़ीद और ऊपर जाएगा, और ये देखें 2000 पिप्स ये ऊपर गया भी। अब और भी पीछे देख लेते हैं, और भी कोई यहाँ पर होगा, आप भी ढूंढिएगा, आपको भी कुछ ना कुछ नज़र आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो अक्सर मार्केट में बनते रहते हैं और बहुत ही बिग चेंज आता है उसमें। फिर अच्छा यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर भी मिल गया, ये देखें मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, देखें यहाँ पर मार्केट जा रही थी अप और यहाँ पर बन गई बैरिश मारुबुजो। इसका क्या मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज होगा, अगर यहाँ पे बुलिश की मारुबुजो बनी होती तो इसका मतलब था मार्केट ने और मज़ीद ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पे बैरिश की मारुबुजो बन गई तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अब डाउन आना है, और ये देखिए वाकई मार्केट डाउन गई भी, आपके सामने गाइस सब कुछ। अब इसी के साथ और भी देख लेते हैं, और भी यहाँ पर कोई ना कोई होगा मारुबुजो बना हुआ, ये देखें गाइस एक और मारुबुजो, और कितनी चाहिए आपको, एक ही चार्ट में मैंने आपको कितनी सारी दिखाई है। ये देखें यहाँ से मार्केट आई डाउन, यहाँ पर बन गया बाई का मारुबुजो यानी कि बुलिश मारुबुजो। इसका क्या मतलब है कि अब ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड है, क्योंकि इसके अपोजिट जो है ये कैंडल बनी है,
अगर यहाँ पे सेल की बनती मारो बुजो तो मार्केट ने और मजीद डाउन जाना था, मगर यहाँ पर क्योंकि बाई की मारो बुजो बनी है तो इसका मतलब कि मार्केट ने अब जाना है। तो ये देखें वाकई में गाइज मार्केट कितना ज़्यादा अप गई है। ये देखें गाइज यहाँ पर एक और मारो बुजो, ये देखिए एक और मारो बुजो, ये मार्केट अप जा रही थी, यहाँ पे एक मारो गुजो अभी की बन गई यानी कि बाई की बन गई तो मार्केट और ज़्यादा आप चली गई। ये मैं पिप दिखाऊँ आपको, ये आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा भाई, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक आपकी पोजीशन गई तो इसका मतलब है कि 12,555, समझे गाइस, यानी कि 1250 पिप से भी ज़्यादा आपका यहाँ पर पोजीशन गया है। यहाँ पर भी देखें एक और मारो गुजो, ये देखें ये मार्केट जा रही थी आप उसी में बन गई ये बुलिश की मारो बुजो और ये मार्केट और ऊपर गई। तो गाइस देख रहे हैं कितना मतलब कि आसान है, अगर जब भी आपको मारो बुजो देखिए आप बस वहाँ पर ट्रेड लगा दें और फर्स्ट डेमो पर प्रैक्टिस करें, लाजमी नहीं कि आप डायरेक्ट ही रेल पे शुरू हो जाएं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कहने पर आप कुछ भी ना करें, खुद से अप्लाई करें और फिर अपना रिजल्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर शेयर करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और मैं पीछे जाऊँगा तो मुझे पता है बहुत सारी मारो बुजो यहाँ पर नज़र आएंगी, आप भी खुद भी देखिएगा आपको वहाँ पर भी दिख जाएगी, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे और भी बहुत सारी होंगी कोई ना कोई मारो बुजो। ये भी ये रही एक और मारो बुजो यहाँ पर मिल गई बुलिश की, ये देखें यहाँ पर ये कैंडल बनी और मार्केट गई सीधी ऊपर। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो पर भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको स्पिनिंग टॉप्स, हैमर कैंडल और भी जितने जितने कैंडल्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। आप FXF के साथ रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे, और हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि वहाँ पर हमारी डेली एनालिसिस आती है मेजर करेंसी पेयर्स के, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सीखें और समझें कि किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। सो गाइस फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं स्पिनिंग टॉप्स के बारे में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।